आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शत प्रतिशत कोविड टीकाकरण कराने के लिए जनपद में डोर टू डोर चलाया जाएगा अभियान, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। आजाद चौक स्थित पूजा ज्वेलर्स की दुकान में सेंधमारी कर चोरी कर रहे दो शातिर चोर को पुलिस मुठभेड़ में रामगढ़ताल पुलिस ने किया गिरफ्तार। दो तमंचा, तीन जिंदा कारतूस, एक खोखा सोने का हार व लॉकेट, पांच टब्स, एक लोहे का राड प्लास किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। ऑपरेशन हंट के तहत शराब की दुकान में शराब की चोरी करने वाले व 25,000 के इनामी को पिपराइच पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। ईवीएम मशीन का संचालन करने के लिए मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण मुख्य प्रशिक्षक की अध्यक्षता में साकुशल हुआ संपन्न। मतदान प्रक्रिया की दी गई विस्तृत जानकारी। मास्टर ट्रेनरों द्वारा 24 जनवरी से सभी मतदान कार्मिकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के शुरू होने के पूर्व नगर आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई नगर निगम की पूरी टीम की बैठक। कहा, नगर निगम में स्वच्छता के कार्यों के सत्यापन की जांच करने के लिए आने वाली है नई दिल्ली से टीम, बेहतर बनाने की बनी रणनीति। विधानसभा चुनाव 2022 को सकुशल संपन्न कराने के लिए रामगढ़ताल पुलिस ने एसएसबी जवानों के साथ क्षेत्र में किया फ्लैग मार्च, जनता को दिलाया सुरक्षा का एहसास। अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 किलो 800 ग्राम गांजा किया बरामद, भेजा जेल। पेंशनधारियों की न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 5,000 करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर के माध्यम से भारतीय मजदूर संघ ने केंद्रीय वित्त मंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन, मांगों को पूरा करने की मांग। गोरखपुर में गुरुवार को पाए गए 304 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में घट रही है एक्टिव केस की संख्या, अब एक्टिव केस की संख्या हुई 2,208। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 356 केंद्रों पर 30,309 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 17,578 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 15,797 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, 24 जनवरी से शुरू किया जाएगा दस्तक अभियान, चिन्हित कर किया जाएगा टीकाकरण। लगाएं मास्क, करें कोविड प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। और 73वें गणतंत्र दिवस को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस द्वारा पुलिस लाइन के ग्राउंड पर किया जा रहा है रिहर्सल। एसपी सिटी ने कहा, 26 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस, जोरों पर चल रही है तैयारी।